गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की क्लास हमारी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेटिक डिसऑर्डर, चाइल्ड और एडोलेसेंट के अंदर होने वाले मेंटल डिसऑर्डर पर डिस्कस करेंगे। एज ठीक है, चाइल्ड एज की जो भी जब तक देखो 19 ईयर तक, ठीक है, टू द 19 ईयर, ठीक है, उन्हें सारे नीचे से बोलते हैं, पर एडोलेसेंट बोल सकते हो, चाइल्ड बोल सकते हैं। उनके नीचे नीचे जो एज होती है, तीन एज के अंदर होने वाले साइकेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, मेंटल कौन कौन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अडल्ट नहीं, अडल्ट के बारे में, अडल्ट नहीं थी ना, क्या होगा, अडल्ट नहीं, ओनली फॉर एडोलेसेंट, कौन सी, एडोलेसेंट जिसको बोलते हैं, एज 19 से बिलो है उसको बोलते हैं, पर एडोलेसेंट बोल सकते हैं और चाइल्ड बोल सकते हैं। चाइल्ड इनके एज के नीचे जितने भी एज के बच्चे आते हैं उनमें होने वाले मेंटल डिसऑर्डर बारे डिस्कस करें, कौन कौन से प्रकार के साइकेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं इस एज के अनुसार। अडल्ट के अंदर नहीं, याद रखना, अडल्ट के डिसऑर्डर अलग है, बोलते हैं अलग काउंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके इनमें कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर होते हैं बच्चे के अंदर, मैं चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर इनको मिल सकते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, बात करते हैं, ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, कौन कौन से डिसऑर्डर। पहली बात करते हैं एमआर, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिसकैल्कुलिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच डिसऑर्डर, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनिमेशन, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है। ये होता है मोस्टली, और बहुत सारा एमआर का मतलब मेंटल होता है व्यक्ति का, जो बच्चे का होता है उसका आई क्यू लेवल कम होना, ठीक है। नॉर्मल औसत एक एवरेज आई क्यू लेवल होता है, एवरेज जो माइंड की जो बुद्धि होती है बुद्धि नॉर्मल से कम होने से बोलते हैं मेंटल टाइम से। होता है बच्चा होता है प्रॉपर तरीके काउंटिंग नहीं कर पाता है, गिनती होती है काउंटिंग होती है वो प्रकार वो प्रॉपर तरीके काउंटिंग नहीं कर पाता है, उसको डिस्कल अनयूजुअल, ठीक है। होता है बिना मतलब के अनयूजुअल के करना, बॉडी मूवमेंट ना, बिना जरूर के बिना मतलब के बॉडी के मूवमेंट करना, हाथ उठाना, कंधे हिलाना, ऐसे करते करना, ठीक डिसऑर्डर से काउंट होता है। फिर बात करते हैं एनिमेशन का मतलब होता है बेड वेटिंग करना, यानी कि जो एक प्रॉपर एज होने के बाद टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब कि बच्चा है वो वहाँ तक टॉयलेट ट्रेनिंग बन जाती है, बाथरूम करना सीख लेता है, यूनिट पास करना सीख लेता है, यूनिट पास करना सीखने के बाद ही क्या करता है बेड भी कर लेता है, सोते सोते कर लेता है, या एक प्रॉपर जगह पर करता है, कोई प्रॉपर टॉयलेट की जगह नहीं होती वहाँ पर जाकर कर लेता है, उससे बोलते अपन एंड यूसेज। स्पेशल लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पेशल लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है प्रॉपर पैसे बोल नहीं पाता है, एक एज होने के बाद ही प्रॉपर बोलना चाहिए, बोल नहीं पाता है या प्रॉपर बोल लो तो सब बच्चों को क्या कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है और मीनिंग नहीं निकाल पाता है, वो होता है अपना स्पेशल लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो ये डिसऑर्डर होते हैं चौथा लैंग्वेज डेवलपमेंट,
तीन प्रकार के मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, उनमें मेन चार आस्पेक्ट के चार आया वो क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये पहला पैसे का होटल मतलब की तो बॉडी तो लैंग्वेज एक्टिविटी होती है जो मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी बात का बिहेवियर का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन जैसा एक्ट करना है वो एक्ट क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट बात है आइडेंटिटी कोई नया सीखना नई बात नॉलेज देना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी व्यक्ति की लैंग्वेज क्या डिस्टर्ब हो जाती है। इन चारों क्या है डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का क्या है एक प्रकार से क्या मेंटल है साइकिल है मानसिक रूप से क्या उसे मेंटल बोल सकते हैं। इनमें से किसी एक जैसे वोटर वोटर मतलब होता है उसकी बॉडी की एक्टिविटी बॉडी की मूवमेंट अगर मान लो जहाँ बैठना चाहिए वो वहाँ ना बैठे घूम रहे हैं बाहर जैसे ही मान लो क्लास चल रही है क्लास में सारे बच्चे क्या होते हैं एक अपने टेबल पर सीधे बैठे रहते हैं तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। वही एक बच्चा बाहर का खड़ा हो रहा है बैठ नहीं पा रहा है इधर हरकतें कर रहा है घूम रहा है तो क्या बोलेंगे अपन पागल है क्या ये बोलेंगे उसका मतलब जो उसकी घोटा जो भी है वो डिस्टर्ब हो रही है। फिर बात दूसरा बिहेवियर डिसऑर्डर बिहेवियर डिसऑर्डर बात बिहेवियर का मतलब होता है सेम एग्जाम्पल क्लास चल रही है सब पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है क्लास का माहौल कैसा साइलेंट माहौल होता है ऑनली पढ़ना और अपने डाउट बताना। ऐसे के लिए कोई व्यक्ति गाने गा रहा है या रो रहा है या बिना मतलब हंस रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है इन्वायरमेंट के साथ मैच हो रहा है तो अपने दूसरे बोले क्या पागल है क्या ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात होता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब लेनी चाहिए सीखना अगर आप नॉर्मल होंगे पर्सन तो नई बातें सीख सकते हैं नया नॉलेज दे सकते हैं अगर आप एबनॉर्मल है तो नया नॉलेज नहीं मिलेगा तो आइडेंटिटी क्या होता है मेंटल पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज की लैंग्वेज क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है अगर चारों आयाम डिस्टर्ब हो रहे हैं इसका मतलब क्या पेशेंट क्या मेंटली प्रॉब्लम चल रहा है मानसिक रूप से क्या डिस्टर्ब चल रहा है ये चारों आयाम क्या हो रहा है डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है तब जाके बोलते हैं उसको पेशेंट को साइकेटिक डिसऑर्डर या मेंटल पेशेंट बोलते हैं। वास्तविक इसका क्या मतलब वास्तविक का मतलब क्या जो हमारी नॉर्मल एज होती है
बस जन्म से लेकर 10 साल 20 साल 22 साल हुआ एज होती है वो हमारे वास्तविक एज है। जैसे पता है 10 साल का बच्चा है तो उसकी एज वास्तविक या 10 साल की होगी, ठीक है, ये होगी उनकी वास्तविक एज 10 साल, ठीक है। फिर मैंने बताया मैंडल की बात क्या होता है, मैंडल की बात करते हैं जो उसका मानसिक लेवल कितना है उसको बोलते हैं अपन मेंटल एज। अब ठीक है, जैसे वहाँ 10 साल का बच्चे की बात कर रहे हैं उसको सब पता होता है नॉर्मल बेसिक नॉलेज, ठीक है। दूसरा बच्चा 10 साल का है पर उसको बेसिक नॉलेज नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि घर मेंबर कितने हैं, उसको प्रॉपर ये नहीं पता कि मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है या मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, स्कूल का नाम नहीं पता इसको, घर का एड्रेस उसको टूटा फूटा याद है, ऐसी जो बातें बताता है। तो ये कौन सी एज की है, ये बहनी 4 या 3 साल का बच्चे को देने लगती है ये सब बातें। 3 साल का बच्चा उसको माता पिता के बारे में पता होता है, स्कूल को जाता है उसको पता नहीं होता है, ठीक है, मोहल्ले में क्या इतना पता नहीं होता, घर का एड्रेस को बिल्कुल पता नहीं होता। तो हरकत तो उसकी मेंटल एज किसके बड़ी बात चली है, एज तो उसकी 10 साल है, हरकतें कैसी है 3 या 4 साल बच्चे की। तो ये हो गया आप उसकी मेंटल एज, तो ये हो गया उसकी 4 साल उसकी मेंटल एज। मेंटल एज उसकी वास्तविक एज जो बात 100 करते हैं 100 से 10 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
से प्लस नॉर्मल से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 110 से 10 से 90 से 110 से नॉर्मल, नॉर्मल से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति का सेट मन बुद्धि है। तो ये क्या क्या है, इसका आईक्यू पता लगा फॉर्मूला, इससे आइडेंटी पता लगा सकते हैं पेशेंट का आईक्यू कितना है और मन बुद्धि है। आपके बताए कन्वर्ट,